धरती पर कर हमको कचरा धोने में और लोगों के पास 10-5 हजार रुपए नौकरी में लगे हुए, इसकी वजह यह है हमने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया था। आज हम अपने बच्चों के तरफ ध्यान देकर इस बात की फिक्र करें, चाहे जोर स्कूल हो, चाहे नेशनल स्कूल हो, या अल्पसंख्यक कोई स्कूल हो, हमारे ऊपर किसी से कोई तदाद नहीं। हमारा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्र कर उसके लिए कोशिश करना है। तो इंशाल्लाह भाई मजलिस उलमा जमीयत उलमा की हमारी जो तंजीम है, इंशाल्लाह आज की सारी कारकर्दगी उनके सामने पेश करूंगा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई मुस्बत कदम उठाया जाएगा और उसके मुताबिक कमेटियों से और तंजीमों से बात की जाएगी और उसको दूर करने की फिक्र की जाएगी इंशाल्लाह। आप उदरा से अगर दरखास्त की जाती है कि जिस तरह से आज आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुआ, आप अपने बच्चों के प्रति ध्यान दें। हमारे बच्चे 6 घंटे 7 घंटे स्कूल के अंदर रहते हैं, बाद में रात में जब घर पर आते हैं तो हमारे बच्चों को तो कोई तवज्जो नहीं। कभी हमने अपने बच्चों को लेकर होमवर्क कराने की फिक्र नहीं करी, कभी हमने अपने बच्चों को लेकर नहीं बैठे कि आज तो टीचर ने हमारे बच्चों को होमवर्क क्या दिया है, क्या सुलभ हुआ था क्या नहीं हुआ था। हमारा बच्चा 10वीं में पहुंच जाता है लेकिन उसको उर्दू लिखती है, 12वीं में पहुंच जाता है सही ढंग से वो अपने बाप का नाम नहीं लिख सकता, चचा दाया का नाम नहीं लिख सकता, उसको फिर खुद का नाम लिख जाता है। इसकी वजह क्या है? जहाँ टीचरों की कमजोरी है वहां हमारी भी बहुत बड़ा कसूर है कि हमने कभी अपने बच्चों के ऊपर निगरानी नहीं की और उसको लेकर नहीं बैठा। इसके लिए तमाम पालकों से अनुरोध दरखास्त करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों के तरफ भी ध्यान दें और खसूसियत के साथ जो हमारी बच्चियां और बच्चे जो 10वीं से ऊपर जा चुके हैं हम उनके ऊपर भी तवज्जो दें। आज बेहयाई का माहौल और बेदीनी का माहौल बड़ा तेजी से चल रहा है, हम अपने बच्चों को जहां तक जो है तो दीनी और असली तालीम से मुंसलिक करके इस बात की फिक्र करें कि मोबाइल हमारे बच्चों के हाथ में ना जाए। आज जो सुना है कि 10वीं और 12वीं में हमारे बच्चे जाने के बाद मोबाइल अपने जेब में लेकर चलता है, तो जितना नुकसान उसको मोबाइल से होता है उसका बुनियादा हम अपनी जिंदगी भर को नहीं कर सकते। इसके लिए तमाम बालकों से दरखास्त की जाती है कि आप संजीदगी कायम रखें, वक्तन स्कूल और कॉलेजों में जाकर भी अपने टीचरों से और सरपरों से जिम्मेदारों से मुलाकात करके वहां की समस्या हल करने की फिक्र करें और जो कमजोरियां आज हमारे को पाई गई है, चाहे अल्पसंख्या के जितने हमारे शहर के स्कूल जहाँ गए इंशाल्लाह ऐसी कमजोरी रहेगी, हम इंशाल्लाह जमीन उलमा मजलिस उलमा के जिम्मेदारों तक इस बात को पहुंचाएगी और हमारे शहर के जो जिम्मेदार अहबाब है जैसे मुतालिकी कमेटी है और दीगर हमारे शहर के जिम्मेदार अहबाब है उन तक इंशाल्लाह इस बात को पहुंचाकर इस मामले को इंशाल्लाह 100% हल करने की इंशाल्लाह हम कोशिश करें।